डिप्टी कमिश्नर सालेह सईद की जेर सदारत प्राइस कमेटी का इजलास हुआ है। इजलास में अशियाए खुरनोश की कीमतों में इजाफे की तजावीज पेश की गई हैं। मजीद बात करेंगे इमरान मलिक से। इमरान, इस अहम इजलास का अहवाल सुनाएं। हाँ जी बिल्कुल, इजलास में प्राइस कंट्रोल कमेटी मेंबरान एमपीए नदीम अब्बास बारा, आबिद मेघ, ताजरान और सार्फिन के नुमाइंदगान ने तजावीज पेश की हैं। दाल चना बरीक, दाल माश, मूंग, काला चना की कीमतों में इजाफे की तजवीज है और रात तक ये नोटिफिकेशन सामने आ जाएगा। जबकि दूध और दही की कीमतों में कमी की तजवीज सामने आई है। गोश्त का रेट मुकर्रर न किया गया और ओपन छोड़ दिया गया और इस वाले से नान और खमीरी रोटी में 12 रुपये जबकि सादा रोटी 6 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज सामने आई है। चीनी की कीमतों में इजाफे की तजवीज 58 रुपये है जबकि रिटेल प्राइस में चीनी जो है वो पी किलो 60 रुपये बेचने की तजवीज सामने आई है। महकमा इंडस्ट्री से मशावरत के बाद खत्मी नोटिफिकेशन आज जारी किया जाएगा। डीसी लाहौर का ये कहना है। जी कुछ अशिया की कीमतें बढ़ेंगी तो कुछ की कम हो जाएंगी। शुक्रिया इमरान मलिक।